हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, डोंट बाय जियो फाइनेंशियल्स। जी हाँ, मैं ऐसा वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि जियो फाइनेंशियल्स गिर रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी है और इसको हमने बाय करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। आइए जानते हैं क्या बाय करना चाहिए अपने जियो फाइनेंशियल्स को। जियो फाइनेंशियल्स के बारे में बात करने के पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, जियो फाइनेंशियल्स जब से लिस्ट हुआ है लोअर सर्किट में ही जा रहा है। सब लोग हैरान परेशान है कि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, मुकेश भाई अंबानी की कंपनी है और ये लगातार लोअर सर्किट क्यों हिट कर रही है। फ्रेंड्स, उसका रीज़न ये है कि रिलायंस में से रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स का पार्ट है और उसी में से डीमर्ज होकर जियो फाइनेंशियल्स बना है, जो कि अभी निफ्टी 50 और सेंसेक्स में दिख रहा है, जो कि दोनों में से बाहर हो जाएगा थर्सडे को। और थर्सडे के बाद में ये शेयर एक नॉर्मल शेयर बोल के रहेगा, ना कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स में रहेगा। तो जो इंडेक्स फंड होते हैं जैसे FII DII निफ्टी और सेंसेक्स फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं वो लोग धड़ाधड़ बेच रहे हैं क्योंकि उनको ऑटोमेटिक इसके भी शेयर मिले हुए हैं डीमर्ज होकर। तो उनको पता है कि जब ये इंडेक्स में से बाहर निकलेगा तो उनको शेयर बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग वही शेयर होल्ड कर सकते हैं जो कि निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में हो एज पर द रूल। और इसीलिए इसमें इतने लोअर सर्किट लग रहे हैं और वो क्योंकि अपना जो भी उनको डीमर्ज शेयर मिले हैं वो जब तक पूरा बेचेंगे नहीं, जब तक वो बेचते हुए रुकेंगे नहीं। तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर जो आप और मैं, हम लोगों ने रुकना चाहिए जब तक क्लियर कट बाउंस बैक आता नहीं है जियो फाइनेंशियल्स में। जल्दबाजी करना नहीं है क्योंकि जब तक ये बड़े इन्वेस्टर्स लोग जिनके पास लाखों करोड़ों शेयर्स है, जब तक ये अपना पूरा खाली नहीं कर देंगे जियो फाइनेंशियल्स को, ये रुकने वाले नहीं है। और वैसे भी ऐसा कहा जा रहा है मार्केट में कि इसका फेयर वैल्यूएशन जो नक्की हुआ था या जो मार्केट ने सोचा था 160-170 के आसपास था, जो कि काफ़ी ऊपर है अभी। तो दोनों बातें हैं, इसीलिए जब तक शेयर बाउंस नहीं करता है, लोअर सर्किट लगाना बंद नहीं करता है, आपने बाय करने की जल्दबाजी करना नहीं है। ये मुझे लगता है, बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है। जब तक जियो फाइनेंशियल्स नॉर्मल ट्रेड करता नहीं है या फिर से बाउंस बैक करता नहीं है, जब तक आपने हाथ लगाना नहीं है, क्योंकि गुरुवार तक यह हो सकता है उसके बाद में भी गिरते हुए दिखे, क्योंकि जब तक इनके पूरे शेयर से बेचेंगे नहीं तब तक इनको रुकना नहीं है, क्योंकि इनको बेचना ही पड़ेगा जितने भी फंड हाउसेस हैं निफ्टी 50 के या सेंसेक्स के। तो इसीलिए ये इतना गिर रहा है तो अभी जल्दबाजी नहीं करना है जियो फाइनेंशियल्स को बाय करने के लिए। कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है, शेयर में कोई बैड न्यूज़ नहीं है, कंपनी में कोई बैड न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल इशू है जिसके कारण ये धड़ाधड़ सेलिंग हो रही है इसके अंदर। तो आप लोग थोड़ा शांति से बैठिए, जब ये नॉर्मल ट्रेडिंग करेगा, बाउंस बैक करेगा, तब आप बाय कर सकते हो। और क्योंकि ये थर्सडे फ्राइडे तो गिरेगा ही, जब तक इनका पूरा माल बिकेगा नहीं फंड हाउसेस का और FII DII का, जब तक ये लोग इसको बेचते रहेंगे, क्योंकि उनको रिबैलेंस करना पड़ेगा उनका फंड हाउस का होल्डिंग, इनको भी डीमर्जर के शेयर मिले हुए हैं उनको बेचने पड़ेंगे वो, क्योंकि जब जियो फाइनेंशियल्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स से बाहर निकलेगा तो उनको वैसे भी बेचना है, उनको पता है, इसलिए पहले ही वो बेचना शुरू कर चुके हैं। इसलिए लोअर सर्किट लग रहे हैं, ना कि कंपनी कोई ख़राब है ना कंपनी कोई फ्रॉड है, तो इस बात का ध्यान रखिए। बट एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप लोगों ने वेट करना है, जब बाउंस लेगा शेयर जब ही आपने बाय करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। या फिर आप हर गिरावट में थोड़े थोड़े शेयर बाय कर सकते हो एवरेजिंग करने के लिए, जितना गिरेगा उतना क्वांटिटी बढ़ा सकते हो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना होगा तो, नहीं तो बाउंस बैक होने दीजिए फिर एक साथ बाय कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके सामने है तो आप वो हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, पर घबराने की बात नहीं है, ये टेक्निकल इशू के कारण गिर रहा है, ना कि कोई बैड न्यूज़ या फ्रॉड के कारण। थैंक यू फ्रेंड्स।